कहते हैं एक औरत दुनिया में सबसे लड़ सकती है, लेकिन जब पति ही पत्नी की इज्जत को दांव लगा दे तो आखिर वो क्या करे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दर्दनाक घटना की जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मामला कुछ यह है कि एक पति जुए में अपनी पत्नी को ही हार गया। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, यह हकीकत है कानपुर की। जुए में पत्नी को हारने के बाद पति ने अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। किसी तरह पत्नी अपनी आबरू को बचाकर पुलिस की शरण में पहुंची, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया। न्याय की आस में थाने पहुंची पीड़ित पत्नी ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी समस्या नहीं सुनी और उसको घर भेज दिया। जब वह दोबारा थाने पहुंची तब तक आरोपी युवकों को पुलिस ने छोड़ दिया था। पीड़िता ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज नहीं लिखने का आरोप लगाया है। और गंदी बातें की जा रही थी, गंदे काम हो रहे थे, हमने उस पर विरोध किया अपने पति से। पति ने हमको मारा पीटा, मारने के बाद में वो लड़के भी हमारे कमरे में घुस गए। कौन लड़के? पांच लड़के थे, हम उनके नाम नहीं जानते। जो आपके साथ उनके साथ जुआ खेलते थे? हाँ, जुआ खेलते शराब भी पीते। और उसके बाद में मेरे कमरे में गंदी उल्टी सीधी चीजें निकली। उसके बाद क्या उन्होंने मारा, मारने के बाद वो चार लड़के भी हमारे ऊपर जुट गए। हमने किस तरह से अपनी जान बचाई है हम आपको क्या बताएं। आपको मारने के लिए जुट गए? हाँ, हमको मारने के लिए। मारने के साथ में मेरे कपड़े अपने सब फाड़े, मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ। तो पति थे आपके? मेरे पति थे। मेरे पति कह रहे थे कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, हम बचा लेंगे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्या जुए में हार गए थे वो पैसा? हाँ, जुए में हार गए थे पैसा। फिर क्या हुआ? जुए में हारने का मतलब ये कि अपनी पत्नी को दांव में लगा दो। फिर क्या हुआ? फिर हमने किसी तरह से 100 नंबर डायल किया। 100 नंबर से पुलिस आई। पुलिस के साथ में तीन लड़के और निकले। मेरे कपड़े फटे हुए थे, फिर भी पुलिस अंधी थी। पुलिस को ये नहीं दिखा कि ये किस हाल में। पुलिस ने कहा कि ये एक पति पत्नी का झगड़ा है। ये कहाँ का झगड़ा? ये झगड़ा नहीं था भैया। मेरे साथ में गलत व्यवहार, मेरे साथ में बलात्कार करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर आए थे तो पुलिस वालों ने आखिरी कुछ नहीं किया? हमारे कपड़े फटे थे, हमसे पुलिस वालों ने कहा कि जाओ तुम अपने कपड़े चेंज करो, तब तक यहाँ पे उनको रिहा कर दिया गया। इन लोगों ने पैसे मांगे, पैसे लिए। इन लोगों ने पैसे लिए। मेरे साथ में हमें न्याय चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं जानते, हमें न्याय चाहिए। हमें किसने पैसा लिया है? JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।